हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक, जहां पे आप लोग को मिलता है सॉल्यूशन आपकी सभी प्रॉब्लम्स का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग जो स्नैपचैट में फोटो सेव करते हो या फोटो क्लिक करते हो, वो कहां सेव होती है। हमें से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। शुरू शुरू में जो स्नैपचैट में नए नए आए होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जो फोटो क्लिक करते हो, उनको समझ में नहीं आता है फोटो गई कहाँ। खेल तो आज हम आपको बताते हैं फोटो जाती कहाँ है, आप इसको कैसे देख सकते हो। तो जैसे कि सिंपली मैं आपको अपने कैमरे में एक फोटो खींच के दिखा देता हूँ। तो इसको पूरा एडजस्ट कर लूँ थोड़ा फ्रेम को, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने फोटो मैंने क्लिक कर ली है। अब इसको हम लोग कर लेंगे सेव। सेव करने के लिए नीचे जो आपको आइकन दिख रहा है, वहाँ से आपने सेव कर ली फोटो। अब यार ये फोटो कहाँ गई, ये मेन सवाल है। तो परेशान ना हो, बताते हैं फोटो कहाँ गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्नैपचैट पर से खोलेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे एक बटन बना है, वहाँ पे आप लोग टैप करोगे तो आपकी सारी फोटो आ जाएंगी। यहाँ से आप लोग ने जो देखो मैंने फोटो खींची थी, वो हमको यहाँ पे फोटो दिख रही है। इसी तरीके से जो जो आप लोग स्नैपचैट से फोटो खींचते हो, सारी यहीं पे कलेक्ट हो जाती हैं, और आपकी फ़ोन गैलरी में भी कलेक्ट हो जाती है अगर सेव कर लिया आपने तो। अब यहाँ से आप लोग चाहो तो अपनी फोटो को स्नैपचैट में एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एडिट स्नैप में क्लिक करोगे और फिल्टर्स वगैरह जो भी अपना चाहो लगाना लगा सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, और इसको स्टोरी वगैरह में भी यहाँ से लगा सकते हो।